इसका सब्जेक्ट इंग्लिश। स्टूडेंट आज हम अपना वर्क करते हैं बुक वर्क, देन स्टार्ट जो हमारी लिस्ट है बुक इसके अंदर चेक करते हैं हम। ए टू जी तक हमारा वर्क हो चुका है, देन आज स्टार्ट द वर्क एच। ठीक है, एच साउंड हम करेंगे पेज नंबर 26 पे। पेज नंबर 26 शॉपिंग करते हैं अपना। पेज नंबर 26 लेसन से द कलर। ठीक है, स्टार्ट द वर्क एच साउंड। ठीक है, एच साउंड इज हा, एच साउंड इज हा, एच साउंड इज हा। एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैंड। स्टूडेंट आपने भी मेरे साथ इसी तरह रीड करना है, देन अगेन रीड करते हैं हम। एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, एच फॉर हैंड। ओके, हमने रीड कर लिया है, देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी कलरिंग। स्टूडेंट हमारे हॉर्स के अंदर कलर किया हुआ है, हॉर्स का कलर कौन सा है यहाँ पर, ब्राउन कलर। ठीक है, देन हम अपने हाउस में कलर करते हैं। हाउस में हम डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ग्रीन कलर करके दिखा रही हूँ। पहले साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। ठीक है, इस तरह आराम आराम से कलर करें, क्या है आपके कलर बाहर ना आए। इसी तरह साइड बाय साइड ऊपर। अप एंड डाउन देखो, इसमें कलर अप एंड डाउन हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर, देन साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। अब स्टूडेंट हम करेंगे अपना अप एंड डाउन। अच्छा, कलर करते हुए ख्याल करें कि आपका एक तो कलर बाहर ना आए, दूसरा आपके कलर के अंदर वाइटनेस नज़र नहीं आए। ठीक है, जिसके अंदर हमें वाइटनेस नज़र आएगी तो हमारा कलर अच्छा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने हाफ हाउस के अंदर आपको कलर करके दिखा दिया है, बाकी जो हिस्सा बचा है ये आपने अपनी बुक के अंदर कम्प्लीट हाउस के अंदर कलर करना है। ठीक है, इसी तरह हैंड में कलर आपको मैं थोड़ा करके दिखाती हूँ, देन आपने कम्प्लीट वर्क करना है। हैंड में भी हम ब्राउन कलर करते हैं, इस तरह। ये हाफ कलर मैं आपको इसमें भी करके दिखाती हूँ किस तरह कलर करना है आपने। अच्छा, कलर करते हुए ख्याल करें कि आपने पेंसिल लाइट हैंड से पकड़ी हुई हो, जोर से दबा के करेंगे तो आपका कलर अच्छा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह साइड बाय साइड कलर करते जाए, देन अप एंड डाउन। ठीक है, ये मैंने हाफ को हैंड में कलर कर दिया है, बाकी जो इसमें बचा है वो पूरा आपने खुद करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा कलर भी कंप्लीट हो गया, हमने रीड भी कर लिया। देन सेकंड पेज पे हम अपने आते हैं। फॉलो द लेटर एच टू रीच द हाउस। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पर दिया हुआ पजल, ठीक है, जिसके अंदर हमें डिफरेंट लेटर्स दिए हुए हैं, अब इसके अंदर जस्ट हमने फॉलो किसको करना है, अपने एच साउंड को। ठीक है, एच को जो हमारे एरो की मदद से हमें दिया हुआ है, तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। यहाँ से एच पे आए, देन यहाँ से ऊपर जाएंगे हम दूसरे एच के पास। इसी तरह फिर से हमने देखना एच कहाँ है हमारा, ऐसे देखो यहाँ पर लाके स्टॉप किया, फिर देखना हमने। अब देखो यहाँ पर कहीं पे एच नहीं है, तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि हमारा एच यहाँ पर है। देन एरो की तरफ से हम अपने हाउस तक पहुंच गए। इसी तरह स्टूडेंट आपने भी अपना वर्क अपनी बुक में इसी तरह कंप्लीट करना है। देन हम सेकंड पे आ जाते हैं नीचे। फर्स्ट में जो हमें दिया गया है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने लगे अपनी फिंगर की मदद से। इज डाउन गो अप एंड बम्प इट। ठीक है, ये जो शेप होगी ना, इसको हम क्या कहेंगे, बम्प इट। ठीक है, तो अगेन स्टार्ट करते हैं। डाउन एंड डाउन, गो अप एंड बम्प इट। ठीक है,
ये मैंने आपको फिंगर की मदद से स्टूडेंट बताया है, देन हम इसमें कलर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको पेंसिल कलर करने, ये हमें एरो दिया हुआ है, एरो की मदद से हम स्टार्ट करेंगे अपना कलर नीचे की तरफ, जैसे डाउन एंड डाउन, देखिए ऐसे डाउन एंड डाउन। ओके स्टूडेंट, डाउन एंड डाउन की मदद से हमने ऐसे किया, ये हमारी फॉर्मेशन भी बन जाएगी। देन गो अप, मतलब ऊपर की तरफ, देखो अब ऊपर की तरफ आ गए हम यहाँ पर। देन एंड बम्प इट, ठीक है, बम्प इट यानी इसकी जो शेप है इसको हम बम्प इट बोलते हैं। साइड में कोशिश करें कि आपका कलर बाहर नहीं है, अगर बाहर आ भी जाए तो आप हम रेजर की मदद से उसको रब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा एच साउंड इज कम्प्लीट, देन सेकेंड जो है ये आपने खुद कम्प्लीट करना है, जस्ट मैंने आपको बताने की वजह से एक में कलर करके दिखाया है, ठीक है। अब देन आ जाते हैं हम अपनी ट्रेसिंग वर्क के, ठीक है। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, आपने डॉट टू डॉट ट्रेस करना है, देन गो डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, देखिए डाउन एंड डाउन कर दिया हमने नीचे की तरफ। देन अब हम आएंगे गो अप, इसमें डॉट की मदद से आप करेंगे डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट एंड बम्प इट, देखिए ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से एक और आपको करके दिखाती हूँ मैं आपको, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, देन गो अप, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट, डॉट टू डॉट एंड बम्प इट। ओके स्टूडेंट, टू मैंने आपको करके दिखाया, इसी तरह आपने ये कंप्लीट वर्क आपका खुद करना है, आपने बुक वर्क है आपका, आपने इसकी रिवीजन भी करनी है, आपने इसमें रिटर्न वर्क भी करना है, हमें एक्टिविटी दी हुई है वो एक्टिविटी भी मैंने जैसे आपको बताई आपने करनी है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।